हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपका अपने ही कुकिंग चैनल पर जिसका नाम है रेस्टोरेंट स्टाइल। फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारी दुआएं दी। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी की दुआओं पे आमीन। आपके दुआओं के वजह से मेरी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आया है, इसलिए सोचा चलो आज मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम होटल जैसा मटन जहांगीरी। मटन जहांगीरी बहुत ही पॉपुलर डिश है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी है। चलिए आज हम बिना झंझट के मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। जिसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम्स मटन लिया है, जिसको मैंने धोकर अच्छे से रख लिया है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इसमें दो प्याज डालेंगे, प्याज छिलकों के साथ में डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से धो के रख लिया है। 7-8 हम लहसुन की कली डालेंगे, ये भी छिलकों के साथ में ही रहेगी। 4 मैंने इलायची ली है, थोड़े से मीरे लिए हैं, 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है और 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है। तो फ्रेंड्स, हम ले लेंगे कुकर और कुकर में डालेंगे अपना गोश्त। ये हमने मटन डाल दिया है और मटन के साथ में हम ये सारी चीज़ें भी डाल देंगे। इसको सब ऐसे ही डाल देना है फ्रेंड्स। और इसके साथ में हम डालेंगे गोश्त के मुताबिक नमक। ग्रेवी में हम नमक बाद में डालेंगे, आपको सिर्फ जितना मटन आपका है, जितना गोश्त है, उतना ही नमक डालना है। उसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, मैंने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीब तेल डाला है, जिससे बहुत अच्छी तरीके से गोश्त पकता है, गलता है। और इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास के जितना पानी डाला है। अब हम इसको अच्छे से हिला कर और गलने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलती हूँ, हमेशा मटन स्लो फ्लेम पे ही गलाना चाहिए, जिससे वो बहुत अच्छे से गलता है और सभी चीज़ें जो हम उसमें डालते हैं वो अंदर तक गोश्त के जर्ब हो जाती है, जिसमें गोश्त में बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम करते हैं गैस को ऑन। कर लिया है हमने गैस को ऑन और रख दिया है कुकर। 1 सीटी आएगी कुकर में, हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको धीमी आंच पे आराम से 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे। फ्रेंड्स, इसमें नोट करने वाली ये बात है कि आपको गोश्त एकदम पूरा नहीं गलाना है। इसको हमें आगे चल के थोड़ा सा मटन को फ्राई करके लेना है, इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपका गोश्त पूरा गल ना जाए। पूरा गलने का मतलब ऐसा क्या, हड्डी हड्डी में से गोश्त नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, गोश्त को गलने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 20-25 मिनट हो चुके हैं और हमने जब कुकर खोला तो मटन भी बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मटन गलाना है आपको, जिससे ये हड्डी से अलग ना हो। ये मटन के पीसेस हम अलग से निकाल लेंगे। हमने सारे मटन के पीसेस अलग से निकाल लिए हैं। जो ये प्याज थी, ये प्याज को भी हम अलग से निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी डिश है और बहुत पॉपुलर डिश है। आप मेरे तरीके से बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत तारीफ़ें मिलेंगी आपको। देखिए, हमने पूरी ये प्याज सब अलग से कर लिया है और इसका जो पानी है, ये जो स्टॉक है, इसको भी हमें अलग से एक बाउल में निकाल लेना है, जिससे कि हमारे जो ये धनिया, सौंफ और ये जो लहसुन वगैरह थे, ये सब नीचे बैठ जाए। और ये स्टॉक, हमें सिर्फ स्टॉक चाहिए, बाकी हमें दूसरे मसाले नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने गैस पे पैन रखा है, इस पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा ही तेल डालना है। और जो हमने मटन के पीसेस अलग निकाल के रखे थे, उसको थोड़े से फ्राई कर लेना है, जिससे उस पर थोड़े से ग्रिल मार्क्स आ जाए इस तरीके से। ये बहुत टेस्टी डिश बनके तैयार होगी, बहुत आसान तरीके से, बिना झंझट के मैं बनाना बता रही हूँ आपको। आप बनाइए मेरे तरीके से और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये डिश आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। इस तरीके से इससे
थोड़े से ब्राउन ग्रिल मार्क्स आ जाए तो हम इस मटन के पीसेस को निकाल लेंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, यकीन मानिए। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी हमने अलग कर दिया है, इसका स्टॉक अलग कर दिया है, और ये जो मसाला जो नीचे बच गया है, इसके जो लहसुन है, ये लहसुन को इस तरीके से दबा के निकालेंगे और इसका गुदा हम ये स्टॉक में डाल देंगे, जिससे हमारे ये मटन जहांगीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छे से मटन में हमारे ग्रिल मार्क्स आ गए हैं, बस हमें इसी तरीके से चाहिए था, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये मटन के पीसेस अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में, इसी पैन में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी में हम डालते हैं तेल। तेल आप अपने हिसाब से लीजिए, मैंने डाला है इसमें 2-3 बड़े चम्मच तेल। और फ्रेंड्स ये देखिए, जब तक तेल गर्म हो रहा है, मैं आपको ग्रेवी के इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिया है जीरा लिया है, एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 3-4 हमने तेज़पत्ते लिए हैं। 2 बड़े प्याज को हमने बारीक चॉप करके ले लिया है और 2 ही बड़े टमाटर को हमने छिलका उतार के चॉप करके लिया है फ्रेंड्स। और हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा और उसी के साथ डालेंगे 3-4 तेज़पत्ते। हम डालेंगे इसमें प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। आप इसको चॉपर में भी कट करके ले सकते हो, जितना बारीक रहेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इसकी थिक ग्रेवी बनानी है। ये फ्रेंड्स, हमारी प्याज लाल हो चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को आपको छीलकर ही काटना है। हमने डाल दी है टमाटर। टमाटर को हम 1-2 मिनट के लिए नरम होने तक भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले के लिए हम डालेंगे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से लीजिए फ्रेंड्स, आपके घर में जैसा खाते हैं वैसा। 1 चम्मच डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और उसी के साथ 1/4 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे बाद में डालने के लिए। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, सभी मसाले को अच्छे से ब्लेंड होने तक फ्राई करेंगे फ्रेंड। अगर आपको लगता है पानी की ज़रूरत है तो ये जो हमने स्टॉक निकाला था, आप इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी करके देखिए ऐसा डाल भी सकते हैं। और अभी हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने प्याज गलने में डाली थी, हम इसको भी इस तरीके से छिलका निकाल देंगे इसका, जैसे हमने लहसुन का किया था, और इसको भी हम इस मसाले में डाल देंगे। और इसको इस तरीके से अच्छे से मसल देंगे फ्रेंड्स। हमें इसकी ग्रेवी को थिकनेस चाहिए, इसकी ग्रेवी को हमें अच्छी कंसिस्टेंसी बनाना है, इसीलिए आप इस तरीके से टमाटर को और सारे मसालों को कर सकते हो। आपके पास अगर मैशर है तो आप लकड़ी के मैशर से इस तरीके से मैश भी कर सकते हो। बीच बीच में आपको पानी डालना है या फिर वही स्टॉक जो हमने निकाला था उसको डालकर इस तरीके से चलाना है, जिससे सारे मसाले
अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए एक साथ और इसमें अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। ये देखिए हमने पूरा स्टॉक इसमें डाल दिया है हमारे ग्रेवी में, और इसमें जितना भी लहसुन और इलायची नीचे बैठ गई थी वो सब हमने मैश करके इसमें डाल दिया है। और 10 मिनट हो चुके हैं हमें इस तरीके से उसको मैश करते हुए। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको मैश करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से मैश हो गया है, इसमें बहुत ही ख़तरनाक खुशबूएँ आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें डालेंगे मटन जो हमने फ्राई करके रखा था, और इसको हम चला लेंगे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए। इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे फ्रेंड्स। इसमें अब हम डालेंगे, ये देखिए हमने मटन डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे, पहले आप चख लीजिए, उसके बाद हम ग्रेवी के हिसाब से इसमें डालते हैं नमक। और इसी के साथ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच शुगर, चीनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमारा बनके तैयार होगा एकदम होटल जैसा मटन जहांगीर, जहांगीरी मतलब जहांगीरी। अब इसमें हम ढक्कन लगा के इसको रख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा मटन जहांगीरी बनके रेडी है कि नहीं। देखिए खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। आप ज़रूर बनाइए इसे, ज़रूर अपना आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए। और ये डिश आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरी कुछ गलती है तो आप उसे भी बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सही करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकॉन का भी बटन दबाइए। चलिए मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुआ है एकदम होटल जैसा मटन जहांगीरी। आपका जिससे मन चाहे उसके साथ इसको खाइए, थोड़ा सा धनिया से गार्निश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।